आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सावन आ चुका है तो हरा हरा सूट या साड़ी तो नहीं पहना, सूट ही डाल लिया। अब जा रहे हैं थोड़ी अपने लिए हरी हरी चूड़ियाँ लेंगे। फिलहाल मार्केट जा रहे हम लोग। तो फ्रेंड फिलहाल हम चूड़ी देख रहे हैं और हम अपने नाप का ले रहे हैं चूड़ी और दीदी देख रही है। बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आई थी तो फिलहाल हम चूड़ी ले चुके हैं और बिल पे कर दिया। अब निकलते हैं घर की तरफ। कांच की हरी हरी चूड़ियाँ लाया है और सावन में हरे कपड़े और हरी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है बहुत पुराने समय से, और हमारी दादी हमारी माँ पहनती थी तो फिलहाल हम भी पहनते हैं जब से हमारी शादी हुई तब से। और देखिए, और मैंने हाथों में मेहंदी भी लगाई थी, फिलहाल मैंने आज ही मेहंदी लगाया और मैंने हाथों में अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखा है तो आप लोग को दिखा रही हूँ। और मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रखा है मेहंदी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो आप लोग के घर पे सावन में लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं आप लोग घूमने और क्या क्या पहनते हैं आपके घर की औरतें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़िलहाल हमारे यूपी साइड में, बिहार में, जितना पूर्वांचल है, पूर्वांचल साइड में ये सब रिवाज किया जाता है। और देख सकते हैं आप लोग हमारे हाथों की चूड़ियाँ, मेहंदी, तो आप लोगों को कैसी लग रही है और हम कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारे हाथों में हमारे और हमारे पति देव का नाम लिखा है तो, और हम ग्रीन सूट पहने हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और आप लोग के क्या क्या होता है सावन में आप लोग ये भी बताइएगा। अभी तो फ़िलहाल शाम हो चुका है और बारिश हो रही है तो इसलिए मैंने छत पे मैं वीडियो बना रही थी तो मैं नीचे आ गई। कल वीडियो नहीं गया था इसके लिए सॉरी। और क्या हाल चाल है आप सब लोग के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड सावन में आप लोग को पता होगा अक्सर ये सब चीज़ें जो होती हैं हम लोग गांव में देखते थे, अब तो पता नहीं सब विलुप्त हो चुका है। झूला झूलते थे और झूला जो नहीं झूलता था तो उसको लोग बोलते थे कि तुम्हें इस चीज़ का जन्म मिलेगा, चुन्नर का मिलेगा, इस चीज़ का चूहे का मिलेगा, तो भगवान जाने ऐसा क्या होता था लेकिन बट ऐसे लोग बोलते थे। तो हम लोग झूला झूलते थे, आप लोग ने झूला झूला है कि नहीं बचपन में? हम लोग तो बहुत झूला झूलते थे नागपंचमी वाले दिन सावन में रोज़। पता है फ्रेंड जब से सावन चढ़ता था तो लोग झूला डालते थे और पूरे सावन हम लोग झूला झूलते थे। और सावन में हर सोमवार वाले दिन चाहे आप पूरे सावन में आप जल डाल सकते हैं शंकर जी को, और माता पार्वती की पूजा होती है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुंवारी कन्या पूजा करती है उनको अच्छा वर मिलता है। और हमारे यहाँ तो सावन बहुत अच्छे से मनाया जाता था और बीच में जब नागपंचमी पड़ती है वो भी बहुत धूमधाम से, उस दिन उसे लावा खाते हैं, लावा छींटते हैं सावन में। नाग देवता की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है। और जो पीछे कैमरा मैन है वो डायरेक्शन दे रहे हैं हमको कुछ कुछ, क्योंकि हम भूल जा रहे हैं इसलिए। और नाग देवता की पूजा होती थी सावन में तो बहुत अच्छे से मनाया जाता था सावन। और आप लोग हमारे हाथों की एक बार फिर मेहंदी देख सकते हैं। अभी भी गाँव में मनाते हैं? अभी मनाते हैं, हमको पता है, सब लोग को पता है, अभी भी गाँव में मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा लुक। और देखिए हमारे घर में बच्चा जो है ना, क्या क्या पता है फ्रेंड, हमारे यहाँ गांव में लोग बाबा धाम जाते थे, आप लोग को पता होगा, तो सारे जेंट्स लोग जाते थे अक्सर, हमारे तो लेडीज बहुत कम जाती थी, उन लोग के पैर वैर कलर हो जाते थे। तो फ्रेंड आप लोग को हमारा लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए हम कैसे लग रहे हैं,
बाबू इधर आओ, आओ दिखाएं। और फ्रेंड क्या हाल चाल है आप सब लोग के? हम तो मार्केट गए थे, चूड़ियाँ लाए हैं, आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, कीप सपोर्ट मी गाइस, लव यू गाइस। आप लोग भी भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए, सावन में आप लोग बारिश का आनंद लीजिए, पूजा पाठ का आनंद लीजिए, ठीक है। और कितने लोग तो सावन में जाते हैं, हर जगह जाते हैं घूमने के लिए, पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा भोलेनाथ सब पे कृपा बरसाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, कीप सपोर्ट मी गाइस, लव यू गाइस।